सो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत से लोगों ने बोला था कि स्टेयरकेस चेक कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना। तो हमारा ये मस्त स्टेयरकेस अभी रेडी हो गया है। तो अभी मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको ऐसे ही बताऊंगा जो आपको बेसिकली ध्यान में देना होता है जब भी आप स्टेयरकेस को चेक करते हो। तो मैं एक ही करके सारा करके बताऊँगा आपको, तो आपको भी सिंपली यही करना है। अगर आप ये सब कर लेते हो और आपको पता चलता है कि इसके अंदर कुछ भी एरर्स हो, तो वहाँ पर आपको रेक्टिफाई कर देना चाहिए उसी वक्त कास्टिंग के पहले। एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट है डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में 3-4 चीज़ें जो हमें चेक करनी होती है। तो सबसे पहला होता है राइजर और ट्रेड। तो जो ये वर्टिकल आप देख सकते हो प्लाईवुड मारे गए, वो राइजर के लिए है। तो आपको सिंपली टेप लेना है, वहाँ पर लगा के मेजर करना है कि राइजर की हाइट क्या है और ट्रेड की लेंथ कितनी है अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो राइजर को मेजर करने के लिए आपको सिंपली टेप को फंसा देना है इस कॉर्नर के अंदर और डायरेक्टली आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा राइजर यहाँ पर है 169 mm का, ठीक है। वहाँ से लेके यहाँ तक 169 का हमारा राइजर है। अभी दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है ट्रेड। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से टेप को नीचे डालना है और आपको इंश्योर करना है कि वहाँ पर वो सरफेस पे मैच हो जाना चाहिए और यहाँ पर आपको रीडिंग देखना है कितनी आ रही है। तो हमारा राइजर अकॉर्डिंग टू ड्राइंग 300 mm है, जो हमें यहाँ पर एग्जैक्टली मिल रहा है, ठीक है। तो आपको वो प्लाईवुड का वो फेस आपको खाली मैच करना है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे 300 mm पूरी तरह से मिल रहा है। तो राइजर और ट्रेड चेक करने के बाद आपको चेक करना है इस वेस्ट स्लैब की डेप्थ। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक लाइन डोरी लेना है, इस तरह से यहाँ पर फंसा देना है ताकि वो जो आपका बॉटम है प्लाईवुड का वहाँ पर टच हो जाना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये रन करना है आपको पूरा ऊपर तक के, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका टेप होगा वो प्लाईवुड पर टच कर देना है इस तरह से और आपको रीडिंग देखना है कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमें लगभग मिल रहा है 155। तो यहाँ पे भराई लेवल से 5 mm ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमारा स्लैब यहाँ पे 150 का है। तो ये 155 मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नीचे से थोड़ा प्रॉप्स को टाइट करना पड़ेगा जिससे कि अभी 150 का लेवल पूरी तरह से मिल जाएगा। दोस्तों जिस तरह से आपने नीचे वहाँ पे स्लैब का डेप्थ चेक किया, उसी तरह से ऊपर भी एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए यहाँ पर। तो आपको सिंपली यहाँ पे भी वही करना है, टेप को लगा देना है और जो वैल्यू आपको लाइन डोरी पर मिल रही है वो आपको नोटिस कर लेना है कि कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग। अभी स्लैब की डेप्थ चेक हो गई। लास्ट चीज़ आपको चेक करनी है विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की विड्थ क्या है और जो मिड लैंडिंग है ऊपर उसकी विड्थ क्या है। तो सिंपली आपको टेप यहाँ लगाना है एक कॉर्नर पे और वो कॉर्नर पे लगाना और आपको विड्थ मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने वहाँ पे टेप लगा दिया है और यहाँ पर मैंने टेप लगाया तो मुझे मिल रहा है एग्जैक्टली 2 मीटर से 5 mm कम मिल रहा है। तो मुझे 2 मीटर की रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मुझे 5 mm बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो विड्थ ऑफ स्टेयरकेस आपने चेक कर लिया, आप चलते हैं मिड लैंडिंग की विड्थ चेक करते हैं। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ मिड लैंडिंग के ऊपर, ये स्टेयरकेस मेरा नीचे है। तो मिड लैंडिंग की विड्थ चेक करना है तो आपको सिंपली वो कॉर्नर पे कंक्रीट का जो कास्ट हो गया है वहाँ पे टेप लगाना है और खींचना है यहाँ तक के, और यहाँ पे कितना मेजरमेंट मिल रहा है आपको वो बस चेक करना है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टेप लगा दिया है और अभी मैं यहाँ पे मेजरमेंट देखता हूँ मुझे कितना मिलता है। तो यहाँ पर मुझे 30 mm ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर सही से लगाया नहीं है, थोड़ा सा अंदर चला गया टेप। तो मुझे ड्राइंग के हिसाब से 2 मीटर चाहिए था, तो अगर मैं टेप बराबर वहाँ से पकड़ूंगा तो मुझे 2 मीटर पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना देखना है कि ये विड्थ आपकी ड्राइंग के हिसाब से बराबर है या नहीं है। ओके, सो डायमेंशंस हमने चेक कर लिया है, अभी हमें चेक करना है लेवल्स, ठीक है। तो सबसे पहले लेवल चेक करेंगे हम ये राइजर्स का, कहीं ये ऊपर नीचे तो नहीं है, क्योंकि अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया यहीं पे लेवल्स में, जब आप टाइल फिक्स करोगे तो बराबर आपको लेवल नहीं मिलेगा टाइल का फिनिश सरफेस पे, ठीक है। तभी मैं दिखाया तो आपको कि कैसे चेक करना है। सिंपली आपको पहले बैठ जाना है इस तरह से और अपने आंखों से चेक करना है कि सारे आपको लेवल्स में दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एरर मालूम पड़ जाता है कि कौन सा यहाँ पे लेवल से आउट है या नहीं है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपको पूरी तरह चेक करना है अच्छे से तो आप क्या करोगे, लेवल ट्यूब लोगे, लेवल ट्यूब को उस कॉर्नर पर लगाओगे और उस कॉर्नर पर लगाओगे और चेक करोगे कि दोनों में लेवल डिफरेंस है या नहीं है। इसी तरह सारे राइजर्स को करना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा परफेक्टली कि आपका राइजर लेवल में है या नहीं। सो आई डोंट नो आप देख पा रहे हो नहीं, मुझे तो ऊपर से तीसरा वाला जो राइजर है ये वाला, वो थोड़ा लेवल में थोड़ा ऊपर ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा आंखों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, बाकी लेवल ट्यूब से आप
दो कॉर्नर सिंपली चेक कर सकते हो, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा लेवल में है या नहीं। ओके सो राइजर का लेवल चेक हो गया, अभी चेक करना है हमें वो मिड लैंडिंग स्लैब का लेवल क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप सिंपली लेवल ट्यूब से कर सकते हो। उसके लिए आपके पास इस स्लैब का लेवल होना चाहिए जो कास्ट हो चुका है, जो कि आपके पास होगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है उसके बाद में, ये नंबर ऑफ राइजर्स काउंट करना है आपको। ठीक है, उनको ऐड करना है तो आपको हाइट मिल जाएगी आपके मिड लैंडिंग की, वहाँ तक के कितनी आ रही है। ठीक है, सपोज वो मिड लैंडिंग की हाइट आती है 1500 mm। ठीक है, जो स्लैब का टॉप लेवल आएगा वो 1500 पे आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आके खड़े होकर 1500 पे मार्किंग करना है यहाँ पे। ठीक है, 1500 का लेवल मार्किंग करना है, फिर आपको लेवल ट्यूब यहाँ पर लगाना है और वहाँ पर उस लास्ट राइजर पर जो आपकी भराई होने वाली है वहाँ पर, अगर वो दोनों लेवल मैच हो जाता है आपका 1500 1500 पे, मतलब आपका मिड लैंडिंग का लेवल परफेक्ट है। अगर आपको वो मेथड नहीं करना है तो आप नॉर्मल जो आरएल मेथड है उससे भी कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप स्लैब कास्ट कर रहे होगे उस वक्त आपका जो आउटर लेवल होगा इस स्लैब पे ऊपर रेडी होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास वो आरएल होगा उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, जो भी लाइन ऑफ साइट का जो आरएल होगा वो आपके पास होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका आर एल, ये स्लैब का आर एल, ठीक है, प्लस 1.5 जो मिड लैंडिंग की आपकी हाइट है वो ऐड कर देना है, तो आपको उस मिड लैंडिंग स्लैब का आर एल मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे एक स्टाफ खाली लगा देना है, स्टाफ पे रीडिंग क्या आ रही वो मेजर करना है। तो आपका जो यहाँ पे जो लेवल चाहिए होगा वो होगा जो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, मतलब जो लाइन ऑफ साइट का आर एल है माइनस जो स्टाफ रीडिंग होगी, उससे आपको लेवल पूरा मिल जाएगा। तो आपको चार पाँच कोने में चेक करना है यहाँ पे, उन चार कॉर्नर्स में और सेंटर में आपको एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेवल चेक कर सकते हो। अभी ये बारी आती है स्टील चेक करने की। जैसे कि आप जानते हो ये स्लैब एक टेंशन मेंबर है। ठीक है, तो इसमें बॉटम में जो होगा टेंशन स्टील होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इस डायरेक्शन में जो रन कर रहा है इस तरह से, वो इसका मेन स्टील है, और इस डायरेक्शन में जो रन कर रहा है वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, तो बस आपको इतना देखना है कि जो मेन स्टील यहाँ से आ रहा है, इसका ऊपर जो जा रहा है, ठीक है, वो यहाँ से बेंड होना चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि शियर ज़्यादा होता है सपोर्ट के साइड में। तो ये बेंड होके देख सकते हो आप ऊपर जा रहा है और वहाँ पे एंड हो रहा है उस साइड। ठीक है, मतलब ये इसका जो बॉटम स्टील है बेंड होके यहाँ पर टॉप स्टील बन जा रहा है इस स्लैब का। ठीक है, जो मिड लैंडिंग स्लैब है, और मिड लैंडिंग जो स्लैब है आपका उसका बॉटम स्टील जो वहाँ से बाहर निकल के इसका टॉप स्टील बन जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो वो नीचे से आया और यहाँ पर इसका टॉप स्टील बन जा रहा है, और इसका बॉटम स्टील है यहाँ से बेंड होके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो बॉटम स्टील आ रहा है वो यहाँ पर ऊपर से होते हुए इसका टॉप स्टील बन जा रहा है, और उसका जो बॉटम स्टील है, मतलब ये वाला नीचे वाला, यहाँ पर से इधर आकर बेंड होके इसके स्टेयरकेस में टॉप में आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में लास्ट चीज़ आपको देखना है इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स वगैरह कुछ है या नहीं है, क्योंकि मिड लैंडिंग एरिया में हमारा जो लैंप होता है वो आता है, तो उसकी कंड्यूट्स आए हैं या नहीं आए वो देख लेना है। उसके बाद में क्लिनलीनेस वगैरह देखना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा लूज मटेरियल रखा हुआ है, वो आपको क्लियर करके ले लेना चाहिए। और लूज मटेरियल क्लियर हो गया आपका, तो आपको जॉइंट प्रिपरेशन करना है इस तरह से, एग्रीगेट एक्सपोज करके लेना है, जो आपका कास्ट हो गया है वहाँ पर से आपको ब्रेक करके चिपिंग करके लेना है, ताकि बॉन्ड प्रॉपरली हो पाए। अगर आपने मेरा Q&A वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था किस तरह हम बॉन्डिंग करते हैं ओल्ड एंड न्यू कॉन्क्रीट को। तो अभी फाइनल चीज़ जो हमें चेक करना है वो है सपोर्टिंग। सपोर्टिंग क्यों चेक करना है, कि जब भी हम इस पर फ्रेश कॉन्क्रीट डालेंगे तो ये फेल नहीं होना चाहिए या बेंड वगैरह नहीं होना चाहिए, फूकना नहीं चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो हर एक राइजर को हमने किस तरह से सपोर्ट किया है, क्योंकि राइजर के ऊपर इस डायरेक्शन में लोड आएगा तो ये ऐसा कर्व हो सकता है, तो इसको रोकने के लिए हमने ये चाबी यहाँ पे यूज़ किया था छोटा छोटा सा, ये फिर ये फिर ये, हर एक राइजर को रोक के रखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये वर्टिकल ब्रेसिंग भी मारा है हमने इस तरह से, ताकि इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और इसको पकड़ के रखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये प्लाईवुड मारा है, ठीक है, प्लाईवुड पे ये वर्टिकल बैटन मारा है, और इस राइजर को नेल किया है इस बैटन के ऊपर। ठीक है, और उस साइड में भी देख सकते हो हमने एक प्लाई मारा है पूरा, उसके ऊपर वर्टिकल बैटन लगाया, फिर उसके बाद में राइजर को उसके ऊपर ठोका है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, काफ़ी बेसिक थे, अगर ये सब आप फॉलो करोगे तो आपका स्टेयरकेस आई होप अच्छे से अच्छा कास्ट होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
और इसी तरह की और वीडियोस मैं लाते रहता हूँ मेरे चैनल पे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतने दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में।